नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से आप सभी शिक्षार्थियों का NIOS के इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षार्थियों, आज हम DELED की इकाई 502 के प्रकरण मापन, आकलन और मूल्यांकन विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी जी, जो कि सहायक आचार्य हैं शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से। आइए डॉक्टर तिवारी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर तिवारी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। डॉक्टर तिवारी, मापन, आकलन और मूल्यांकन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मापन का संप्रत्यय क्या है। जी, इस ब्रह्मांड में जो कोई भी वस्तु, विचार या प्रक्रिया, किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस है, वो किसी न किसी गुण को धारण कर रही है। वस्तु लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार, रूप, रंग, इसको धारण करता है। व्यक्ति भी बहुत सारे गुणों को धारण करता है और विचार भी गुणों को धारण करता है, जिस आधार पर हम विचार को विभिन्न विभागों में बांटते हैं। तो इस ब्रह्मांड में जिस किसी भी वस्तु या विचार का अस्तित्व है, वो किसी न किसी गुण को धारण करती है और उस गुण को प्रकार या मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है, और इस रूप में उस वस्तु या विचार का वह गुण मापनीय होता है। और जहाँ भी कोई गुण मापनीय है, वहाँ से ही मापन के संप्रत्यय को समझा जा सकता है। मापन को इस रूप में समझा जा सकता है कि किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अंतर्गत किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह, संस्था या विचार के गुण या गुणों के प्रकार या मात्रा को कोई अंक, शब्द, अक्षर या संकेतांक प्रदान करने की प्रक्रिया है। कोई भी वस्तु या विचार एक विशेष गुण को धारण करती है और उन गुणों के मापन के लिए हम एक निश्चित स्वीकृत नियमों को अंगीकृत करते हैं। जैसे लंबाई मापना हो जी, तो हम सेंटीमीटर, मीटर में आसानी से माप सकते हैं, क्योंकि यह नियम वैश्विक स्तर पर निश्चित भी हैं और स्वीकृत भी हैं। लेकिन मैं कहूं कि हेप्टा में लंबाई मापिए, तो हेप्टा से आपको कोई अर्थ का बोध नहीं होगा, क्योंकि यह लंबाई मापने का कोई निश्चित स्वीकृत नियम नहीं है। बिल्कुल, ये मेरे मन द्वारा पैदा किया हुआ एक शब्द है। ऐसे ही जब भी हम किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह, संस्था के गुण या गुणों को के संदर्भ में सूचना इकट्ठा करते हैं, तो हम जिस तरीके को अपनाते हैं वह तरीका निश्चित होना चाहिए और वैश्विक स्तर पे या एक बड़े स्तर पे स्वीकृत भी होना चाहिए, और उस नियम के अंतर्गत हम उन गुण या गुणों को कोई अंक प्रदान करते हैं, कोई शब्द प्रदान करते हैं, कोई अक्षर प्रदान करते हैं या कोई संकेतांक प्रदान करते हैं। संकेतांक मूल रूप से अंक ही होते हैं जी, लेकिन जो अंकों का गणितीय बोध है संकेतांकों में नहीं होता, वो सिर्फ पहचान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी यदि 10 नंबर का टी शर्ट पहनता है और कोई 1 नंबर का पहनता है, तो इसका आशय ये नहीं है कि 10 नंबर वाला खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी है और 1 नंबर वाला कमजोर। वह अंक सिर्फ एक संकेत के लिए प्रयोग हो रहा है जी। तो हम किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह, संस्था के गुणों को एक निश्चित स्वीकृत नियमों के अंतर्गत कोई अंक प्रदान करते हैं। जैसे कि हम कक्षाई वातावरण में देख सकते हैं कि इतिहास के पर्चे में कोई सवालों का उत्तर लिखता है, तो उसे हम 20 अंक, 50 अंक, 70 अंक, इस तरह के अंक प्रदान करते हैं, ये भी मापन है जी। या हम कोई शब्द प्रदान करते हैं कि यह बहुत अच्छा लिखा है, सामान्य लिखा है, खराब लिखा है जी। या हम कोई अक्षर प्रदान करते हैं, जो ग्रेडिंग सिस्टम आज बहुत ज़्यादा अपनाई जा रही है कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, या कोई संकेतांक प्रदान करते हैं, तो ये प्रक्रिया मापन कहलाती है जी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर तरह से आपने इसकी व्याख्या की डॉक्टर तिवारी। अब हमारे शिक्षार्थियों को समझाएं कि मापन के स्तर कौन कौन से हैं। मापन की प्रक्रिया को उसकी विशेषताओं जैसे यथार्थता, मापन में प्रयुक्त इकाइयों, चरों की प्रकृति, परिणामों की प्रकृति आदि के आधार पर चार स्तरों में बांटा जाता है। SS स्टीवेंस ने ये डिवीज़न दिया था। पहला स्तर है नामित स्तर का मापन, नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट।
दूसरा क्रमित स्तर का मापन, तीसरा आंतरालिक स्तर का मापन और चौथा आनुपातिक स्तर का मापन, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। आइए एक एक करके हम इन संप्रत्ययों को समझने की कोशिश करते हैं। नामित स्तर के मापन को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि किसी गुण के आधार पर वस्तुओं या व्यक्तियों को कुछ वर्गों या समूहों में विभक्त करना। जैसे एक कक्षा को हम छात्र और छात्राओं के दो समूहों में बांटते हैं जी। तो इस समय हम कोई बहुत बड़ी गणितीय संकल्पनाओं के अनुसार कार्य नहीं करते जी। बहुत सारी गणितीय संक्रियाएं इसमें नहीं होती, सिर्फ हम गणना कर सकते हैं कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है और छात्राओं की संख्या कितनी है। बिल्कुल जी। तो ये नामित स्तर का मापन है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह, संस्था, विचारधारा को या विचार को कोई नाम दे देता है ताकि उसकी गणना की जा सके, उनकी संख्या का पता लगाया जा सके। दूसरा जो स्तर है क्रमित स्तर का मापन, ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि वस्तुओं या व्यक्तियों को उनके किसी गुण की मात्रा के आधार पर स्पष्ट अंतर्निहित क्रम वाले कुछ वर्गों या समूहों में विभक्त करना। जैसे पुलिस विभाग के लोगों को हम तीन समूहों में बांटें, एक एसपी, एक दरोगा और तीसरा सिपाही। तो ये एक क्रम है, एक हायरार्की है। एसपी बड़ा है, दरोगा उससे छोटा है, सिपाही सबसे छोटा है। लेकिन सिपाही और दरोगा के बीच का जो अंतर है वही अंतर एसपी और दरोगा के बीच नहीं है जी। यानी हमें यह मालूम नहीं है कि जो विभिन्न क्रम हैं, विभिन्न स्तर हैं, उनके बीच की दूरी क्या है जी। हमें यह मालूम है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो क्रमित स्तर के मापन को इस रूप में समझा जा सकता है। इस स्तर पर गणनाएं की जाती हैं और क्रम निर्धारण संभव होता है जी। यानी बड़े और छोटे का के हिसाब से हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं जी। जो तीसरा स्तर है मापन का, आंतरालिक स्तर का मापन, इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट जी। इसे इस रूप में देख सकते हैं कि वस्तुओं या व्यक्तियों को उनके किसी गुण की मात्रा के आधार पर ऐसी मापनी के माध्यम से अंक प्रदान करना जिसकी दो लगातार इकाइयों के बीच दूरी समान हो, परंतु मापनी में प्रयुक्त शून्य बिंदु वास्तविक शून्य के स्थान पर आभासी शून्य हो जी। दूरी का तो पता हो दो के बीच में कितना गैप है, लेकिन वास्तविक शून्य, हर एक मापनी का एक शून्य बिंदु होता है जी। इस शून्य बिंदु, दो प्रकार के शून्य बिंदु हो सकते हैं। वास्तविक शून्य वह दशा है जिसमें पूरी तरह से गुण अनुपस्थित होता है, यानी गुण विहीनता की दशा है। वास्तविक शून्य वह मान है जिससे कम मान संभव ही ना हो, एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। जैसे आप बुद्धि परीक्षण को लें, बुद्धि परीक्षण के बाद यदि हम किसी को शून्य बुद्धि लब्धि देते हैं तो क्या शून्य बुद्धि लब्धि यह घोषित करता है कि बुद्धि की लेश मात्र मात्रा भी उसके अंदर नहीं है? बिल्कुल जी। तो यह कहना बहुत ही बेजा होगा। शून्य बुद्धि सिर्फ एक सापेक्षिक शून्य को व्यक्त करता है, वो निरपेक्ष मान नहीं है। तो जो आंतरालिक स्तर है, इस स्तर के मापन से प्राप्त परिणाम निरपेक्ष नहीं होते, जो कि शून्य बिंदु वास्तविक नहीं होता नहीं है जी, जी, जी। बल्कि ये सापेक्षिक होते हैं। इसी कारण से इस स्तर पर मापन के परिणाम परस्पर तुलनीय नहीं होते जी। जैसे किसी कार्य को करने के लिए एक 120 बुद्धि लब्धि के व्यक्ति की आवश्यकता है जी। तो क्या हम दो 60-60 बुद्धि लब्धि के व्यक्तियों को मिलाकर 120 बुद्धि लब्धि वाला वो कार्य संपादित कर सकते हैं जी? तो बिल्कुल नहीं, नहीं जी। इस रूप में हम देख सकते हैं कि इस स्तर पर जो मापा जाता है वह तुलनीय नहीं होता जो हम भौतिक मापन के साथ कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कक्षा के विद्यार्थियों के बुद्धि का मापन करते हैं या तापमान का मापन करते हैं। तापमान एकमात्र ऐसा भौतिक मापन है जो आंतरालिक स्तर पर होता है, क्योंकि शून्य डिग्री सेंटीग्रेड या शून्य डिग्री केल्विन या इवन केल्विन का जो कंसेप्ट आया, ये हुआ कि ये एब्सोल्यूट है, इससे कम तापमान संभव नहीं है। लेकिन अब लगातार जो शोध हुए हैं
उन्होंने ये बताया है कि 0 डिग्री केल्विन से भी कम मान संभव हो सकता है। यानी तापमान भी मापने का जो हमारा तरीका है उसमें जिस शून्य बिंदु का हम प्रयोग करते हैं वह भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, वो सापेक्षिक शून्य है। इस रूप में हम देख सकते हैं कि आंतरालिक स्तर पर मापन में हम जोड़ घटाव की गणितीय संक्रिया भी कर सकते हैं, साथ ही उन सारी संक्रियाओं को कर सकते हैं जो हम नामित और क्रमित स्तर के मापन में करते हैं। जी, मापन का जो चौथा स्तर है, जो सबसे महत्वपूर्ण स्तर है, आनुपातिक स्तर का मापन, रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट, यह मापन का सर्वाधिक परिमार्जित स्तर है। इस स्तर पर आंतरालिक स्तर के मापन के सभी गुणों के साथ मापनी का वास्तविक शून्य बिंदु भी विद्यमान होता है। इस स्तर पर मापन से प्राप्त परिणाम निरपेक्ष होते हैं क्योंकि वास्तविक शून्य विद्यमान है। इसी कारण से इस स्तर पर मापन के परिणाम परस्पर तुलनीय होते हैं। जी। जैसे हम लंबाई को ले लें या ऊंचाई को ले लें, बिल्कुल हमें किसी बल्ब को चेंज करना है और हमें एक ऊंचा टेबल चाहिए, लेकिन हमारे पास दो कम ऊंचाई के टेबल हैं, तो क्या हम दोनों कम ऊंचाई के टेबल को जोड़ के एक ज़्यादा ऊंचा टेबल बना सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। यह काम हम बुद्धिलब्धि की के केस में नहीं कर सकते थे, लेकिन लंबाई के या ऊंचाई के की परिस्थिति में हम यह कार्य कर सकते हैं। तो कक्षाई माहौल में जब हम किसी विद्यार्थी के लंबाई का मापन करते हैं, उसके वजन का पता लगाते हैं या उसके और अन्य भौतिक गुणों का पता लगाते हैं, वो आनुपातिक स्तर का मापन होता है। आनुपातिक स्तर के मापन में सभी गणितीय संक्रियाएं संभव हैं, इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सभी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं इस स्तर पर की जा सकती हैं। बहुत ही अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने समझाया। अच्छा डॉक्टर तिवारी, अक्सर हम ये देखते हैं हमारे जीवन में कि आकलन और मूल्यांकन के जो शब्द हैं, ये जो दो शब्द हैं, इस पर हमारे शिक्षार्थियों में एक प्रकार का भ्रम है, और कई बार आप देखेंगे कि हमारे जो शिक्षार्थी हैं ये आकलन और मूल्यांकन को समानार्थक अर्थ में इसका प्रयोग कर लेते हैं, तो कृपया इस पर आप इनको स्पष्ट करें। जी, आपने सही कहा कि सामान्यतया कई लोग आकलन तथा मूल्यांकन को एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दोनों किसी वस्तु व्यक्ति या प्रक्रिया को आंकने व उसके विश्लेषण करने से संबंधित हैं। जी, परंतु इन दोनों का संप्रत्यय बिल्कुल अलग है, इनकी संकल्पनाएं बिल्कुल भिन्न हैं। आकलन को ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसमें किसी वस्तु व्यक्ति या प्रक्रिया के संदर्भ में सूचनाओं को एकत्र करने व उसके विश्लेषण करने का कार्य किया जाता है, और वह कार्य इसलिए किया जाता है कि उसमें आवश्यक सुधार लाकर उसे अच्छा बनाया जा सके। यानी आकलन की प्रक्रिया किसी प्रक्रिया को और बेहतर बनाने, किसी व्यक्ति के गुणों को और निखारने के कार्य में प्रयोग होता है, जबकि मूल्यांकन किसी वस्तु व्यक्ति या प्रक्रिया के संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मूल्यपरक निर्णय लेने की प्रक्रिया है, एक वैल्यू जजमेंट है कि कोई प्रक्रिया, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति कितनी अच्छी है, कितनी खराब है जी, कितनी स्वीकार योग्य है, कितनी अस्वीकार योग्य है। तो ये जब हम कोई मूल्यपरक निर्णय लेते हैं, कोई वैल्यू जजमेंट करते हैं, वह प्रक्रिया मूल्यांकन की है, आकलन इससे बिल्कुल भिन्न है। जी, बहुत ही अच्छा डॉक्टर तिवारी, बहुत ही आसान शब्दों में आपने अंतर समझाया। अब हमारे शिक्षार्थियों को आप आकलन का संप्रत्यय क्या है इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी, आकलन को किसी वस्तु व्यक्ति या प्रक्रिया के संदर्भ में सूचनाओं को एकत्र करने, उनका सर्वेक्षण करने, वो विश्लेषण करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य उस वस्तु व्यक्ति या प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करना और उसे बेहतर बनाना है। इस संप्रत्यय का प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे आपने अक्सर ये सुना होगा शैक्षिक आकलन जी, मनोवैज्ञानिक आकलन जी, वित्तीय आकलन, कर संबंधी आकलन जी। इन सभी आकलनों का उद्देश्य यह होता है कि इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाए जी, उन बिंदुओं का पता लगाया जाए जहां बेहतर होने में रुकावट या बाधा आ रही है जी, और उनका उपचार किया जाए ताकि पूरी प्रक्रिया और बेहतर हो सके। सामान्यतया आकलन आकलनकर्ता और आकलित होने वाले व्यक्ति के मध्य निरंतर चलने वाली एक पारस्परिक प्रक्रिया है।
जिसमें आकलनकर्ता आकलित होने वाले व्यक्ति के प्रदर्शन का निश्चित मानदंडों के आधार पर आकलन करता है, और यह मानदंड वो आकलनकर्ता और आकलित होने वाला व्यक्ति दोनों मिलकर तैयार करते हैं जी, जबकि मूल्यांकन में यह स्थिति नहीं होती जी। इस प्रक्रिया का लक्ष्य आकलित होने वाले व्यक्ति के समस्त प्रदर्शनों की प्रभावशीलता का इस हेतु पता लगाना है जिससे आवश्यक सुधार के क्षेत्रों को रेखांकित किया जा सके। जैसे एक विद्यार्थी को यदि किसी विषय को सीखने में परेशानी होती है तो इस पद्धति से यानी आकलन की पद्धति के माध्यम से हम उन बिंदुओं को रेखांकित करते हैं कि कहाँ कहाँ एक विद्यार्थी दिक्कत महसूस करता है, और उसके हिसाब से हम फिर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। यानी आकलन की जो प्रक्रिया है वो निर्माण की अवस्था में है, जबकि मूल्यांकन की प्रक्रिया वो संकलनात्मक है, योगात्मक प्रकृति का है जी। तो आकलन की प्रक्रिया में लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, गुणात्मक और मात्रात्मक सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है, तथा प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण के उपरांत उनका गुणवत्ता के बढ़ोतरी में प्रयोग किया जाता है। ये विशेषता आकलन को मूल्यांकन से अलग करती है। यह मूल्यांकन में संभव नहीं है कि हम प्रक्रिया की गुणवत्ता की बढ़ोतरी की बात कर सकें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में आपने ये बात समझाई। तो डॉक्टर तिवारी, हमने अभी तक देखा कि मापन का संप्रत्यय क्या है, मापन के स्तर समझ लिए, इसके बाद हमने आकलन और मूल्यांकन का जो एक फ़र्क है, एक अंतर है, वो भी समझने की कोशिश करी। फिर आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में आकलन का संप्रत्यय समझाया। अब मुझे लगता है कि आप हमारे शिक्षार्थियों का मूल्यांकन का संप्रत्यय पर भी प्रकाश डालें, तो वो इस पूरी जो हमारा ये है मापन आकलन और मूल्यांकन, इसको संदर्भित करने में मदद मिली है। ठीक ढंग से विद्यार्थियों के सामने आ पाएंगे जी। मूल्यांकन शब्द मूल्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ है किसी चीज की उपयोगिता। मूल्य से हम यही अर्थ निकालते हैं जी। इस रूप में मूल्यांकन किसी भी चीज का वह परीक्षण है जो उसकी उपयोगिता को बताता है, उसकी वांछनीयता को बताता है। मूल्यांकन किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया का एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ मापन आधारित विश्लेषण है। मूल्यांकन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो मापन है, मापन आधार है जिस पर मूल्यांकन घटित होता है। मूल्यांकन का लक्ष्य गुणों के संदर्भ में एक विशेष निर्णय देना है, निष्कर्ष निकालना है। इसकी प्रक्रिया निश्चित नियमों पर आधारित होती है। आकलन में फ्रीडम होता है कि आप नियमों में परिवर्तन कर सके, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के आकलन के लिए भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग कर सके, लेकिन मूल्यांकन में इतनी स्वतंत्रता नहीं होती। मूल्यांकन को इस ढंग से समझा जा सकता है कि मापन में यदि मूल्य निर्धारण जोड़ दें तो मूल्यांकन हो जाए। मापन से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके आधार पर जब हम किसी निर्णय तक पहुंचते हैं कि कोई प्रक्रिया, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, उसका गुण वांछनीय है या अवांछनीय है, अच्छा है या खराब है, जब हम इस निर्णय तक, इस मूल्य निर्धारण तक पहुंचते हैं तो मूल्यांकन की प्रक्रिया हो जाती है। मापन प्लस मूल्य निर्धारण बराबर मूल्यांकन। मूल्यांकन में किसी विशेष उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में वस्तुओं, व्यक्तियों, प्रक्रियाओं आदि के संदर्भ में यह निर्णय लिया जाता है कि वह कितना अच्छा, संतोषप्रद व वांछनीय है। मूल्यांकन में एकत्रित सूचनाओं का मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार का विश्लेषण एक साथ किया जाता है। इसके माध्यम से यह निर्धारित होता है कि पूर्व निर्धारित मानक एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाई अथवा नहीं। यानी मूल्यांकन का जो इशारा है, मूल्यांकन का जो लक्ष्य है, वो उन लक्ष्यों के, उन मानकों, उन लक्ष्यों, उन उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रक्रिया, वस्तु, व्यक्ति का के बारे में निर्णय लेना कि जिन लक्ष्यों के साथ से प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, यदि शिक्षण का कार्य है तो शिक्षण का कार्य जिन उद्देश्यों को लेकर चला था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षण के अंत में हो पाई या नहीं, यह पता लगाना मूल्यांकन का कार्य है। वाह, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसका संप्रत्यय समझाया। आकलन का संप्रत्यय और मूल्यांकन का संप्रत्यय, दोनों पर चर्चा करने के बाद मैं चाहता हूँ हमारे शिक्षार्थियों को आकलन और मूल्यांकन में आधारभूत अंतर क्या हैं, वो अगर अंतर पर आप प्रकाश डालें। एक बार फिर से मैं आकलन और मूल्यांकन में जो विशेष अंतर है जी, उसको प्रस्तुत करूँगा कि आकलन को
ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के संदर्भ में सूचनाओं को एकत्र करने व विश्लेषण करने का कार्य इसलिए किया जाता है कि उसमें आवश्यक सुधार लाकर उसे अच्छा बनाया जा सके, इम्प्रूवमेंट की बात करता है। जबकि मूल्यांकन किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निश्चित नियमों व मानकों के अंतर्गत मूल्यपरक निर्णय है, वैल्यू जजमेंट लेने की प्रक्रिया है। तो एक ओर जो सुधार की बात हो रही है मूल्यांकन में, वो बात नहीं हो रही है, ये मूल्यपरक निर्णय लेने की बात कर रहा है। दूसरा जो पक्ष है कि आकलन की प्रकृति निदानात्मक है, उन पक्षों का पता लगाना है जहां सुधार की गुंजाइश है, यानी सुधार के क्षेत्रों का पता लगाना आकलन की प्रकृति है, जबकि मूल्यांकन निर्णयात्मक है जी, क्योंकि इसका लक्ष्य समूह उपलब्धि के संदर्भ में निर्णय या ग्रेड प्रदान करना है जी। जैसे हम आज जो भी परीक्षाएं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होती हैं, मूल रूप से ये मूल्यांकन का उदाहरण है जी। आकलन के अंतर्गत प्रदर्शन के सापेक्ष पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है जिसका लक्ष्य प्रदर्शन को भविष्य में और बेहतर बनाना है। आकलन का जो रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है उसमें सिर्फ ग्रेड नहीं होता जी, ग्रेड के साथ कुछ लाइनें होती हैं, कुछ विवरण होता है जो ये बताता है कि एक विद्यार्थी ने किन किन पक्षों को किस अनुपात में सीखा है और कौन कौन से पक्ष सीखने से वो दूर रह गया। यह जो रिपोर्ट कार्ड होता है किसी दूसरे शिक्षक के लिए बहुत ही एक आधारभूत सामग्री के रूप में कार्य आता है। दूसरा शिक्षक उस विद्यार्थी को शिक्षित करने के लिए या उस विद्यार्थी के मन में ज्ञान की रचना के लिए बेहतर परिस्थिति का निर्माण कर सकता है आकलन के परिणामों या आकलन के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर। जबकि मूल्यांकन का लक्ष्य यह बताना है कि पूर्व निर्धारित मानकों की प्राप्ति हो पाई या नहीं, बस यही मूल्यांकन का दायित्व समाप्त हो जाता है जी। आकलन का उद्देश्य गुणवत्ता को बढ़ाना है, अर्थात यह संरचनात्मक या निर्माणात्मक है जी। जबकि मूल्यांकन का उद्देश्य गुणों के संदर्भ में निर्णय देना है, अर्थात यह योगात्मक है। सत्रांत परीक्षाएं मूल्यांकन के उदाहरण है जी। और जो आज CCE का कंसेप्ट हमारे सामने आया है, सतत और व्यापक, मूल्यांकन पहले शब्द था और आज उसके लिए आकलन शब्द का प्रयोग किया जाता है जी। यह मूल रूप से संरचनात्मक या निर्माणात्मक है जी। आकलन प्रक्रिया केंद्रित है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रोसेस को कैसे बेहतर बनाना है जी, इधर फोकस है आकलन का। जबकि मूल्यांकन का जो फोकस है वो प्रोडक्ट है, परिणाम है जी, रिजल्ट को। आकलन में पृष्ठपोषण अवलोकन आधारित अच्छे बुरे पक्षों के ब्यौरे के रूप में दिया जाता है, जैसा अभी मैंने चर्चा किया कि लाइनें होती हैं, स्टेटमेंट होता है कि क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, किस अनुपात में सीखा। जबकि मूल्यांकन में पृष्ठपोषण पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर गुणवत्ता स्तर के रूप में दिया जाता है, यानी यह बताया जाता है कि इस अनुपात तक इसने सीखा, कहाँ परेशानियां रहीं, इसकी चर्चा मूल्यांकन में नहीं होती है। वो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड देना या अंक दे देना कि 100 नंबर पाया या 80 नंबर पाया, ये मूल्यांकन का उदाहरण है। आकलन में आकलनकर्ता और आकलित होने वाले के बीच एक विमर्शपरक संबंध होता है, एक रिफ्लेक्टिव रिलेशन होता है। जैसे इस प्रक्रिया के मानदंडों का निर्धारण भी परिचर्चा और विमर्श के माध्यम से होता है जी, यह अवसर मूल्यांकन में नहीं होता जी। ये जो रिफ्लेक्टिव रिलेशन है, एक विद्यार्थी और एक शिक्षक एक साथ बैठकर यह तय करते हैं कि कैसे जिन उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी को समझना है, ताकि विद्यार्थी के मन में ज्ञान की रचना का बेहतर वातावरण तैयार हो सके, उनके लिए जो मानदंड बनते हैं विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर बनाते हैं जी। यह अवसर मूल्यांकन में नहीं है। मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकित होने वाले के मध्य एक निर्देशात्मक संबंध होता है, एक प्रिस्क्रिप्टिव रिलेशन है। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और मरीज बाध्य होता है उन दवाओं को खाने के लिए, ऐसे ही जो मूल्यांकन का रिपोर्ट कार्ड है वो प्रिस्क्रिप्टिव है। वो एक बार लिख दिया गया कि इस स्तर पे आप आए, सुधार की गुंजाइश इसमें नहीं है। मानक बाह्य रूप से थोप दिए जाते हैं इसमें, जिसे मानने के लिए मूल्यांकित होने वाला व्यक्ति बाध्य होता है। आकलन में मानक व मानदंड निर्धारित करने का कार्य दोनों पक्ष,
शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर करते हैं जी, जबकि मूल्यांकन में बाह्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा मानक और मानदंड तैयार किए जाते हैं जी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके से आपने ये अंतर समझाया। डॉक्टर तिवारी, मैं ये चाहूँगा कि एक सारांशतः आप मापन, आकलन और मूल्यांकन, चूँकि बहुत ही कंसेप्चुअल है ये, तो एक सारांशतः एक पर आप सरसरी तौर पर एक अंतर फिर से सारांश रूप में बता दें जी बिल्कुल हमारे शिक्षार्थियों को। पुनः मैं दोहराता हूँ कि मापन में निश्चित स्वीकृत नियमों के अंतर्गत गुणों के प्रकार या मात्रा को अंक, अक्षर, शब्द आदि प्रदान किया जाता है, जबकि आकलन में किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के संदर्भ में सूचनाओं को एकत्र करने व विश्लेषण करने का कार्य इसलिए किया जाता है कि उसमें आवश्यक सुधार लाकर उसे और अच्छा बनाया जा सके, और मूल्यांकन में किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मूल्यपरक निर्णय, वैल्यू जजमेंट लेने का कार्य किया जाता है। मूल्यांकन को हम मापन और मूल्यपरक निर्णय के संयोग के रूप में देख सकते हैं। तो ये मूल अंतर मापन, आकलन और मूल्यांकन के बीच है। बहुत ही अच्छा डॉक्टर तिवारी। तो आज आपका जो ये पूरा परिचर्चा थी, परिचर्चा में आपने मापन के संप्रत्यय पर बात की, मापन के स्तरों पर बात की, आकलन और मूल्यांकन में क्या भ्रम है, क्या अंतर है उस पर बात की, आकलन के संप्रत्यय और मूल्यांकन के संप्रत्यय पर बात की, आकलन और मूल्यांकन में आधारभूत अंतर क्या है इस पर बात की, और अंत में सारांश रूप से मापन, आकलन और मूल्यांकन इन तीनों में क्या फर्क है, अंतर है, इस पर बात की। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि हमारे शिक्षार्थियों को लाभ मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों को नमस्कार। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन।